अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सभी? अल्लाह के रहमत से आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं नया व्लॉग लेके हाज़िर हो गई हूँ। और आज के व्लॉग में मेरे बच्चे लोगों का फरमाइश था कि मैं लोग को चिप्स बना के खिलाऊँ। तो मैंने अभी ही वाणिज्य मेला गई थी, तो वहाँ से मैंने ना चिप्स कटर लेके आया था। तो एक साइड से ना जिगजैग चिप्स कटता है और दूसरी तरफ से सीधा चिप्स कटता है। और आप थोड़ा डिज़ाइन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। तो ये आला जिगजैग वाला है और अच्छा ही कटा है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। साथ में मेरा हाथ भी कट गया है इसको काटने जाकर, बहुत ही ज़्यादा धार है इस वजह से। मुझे बहुत पसंद आया ये। और आपको मैं सीधा वाला भी बताती हूँ, ये तो जिगजैग वाला है। देखिए कितना अच्छे से डिज़ाइन भी आया है इसमें। और अगर आपको एकदम चिप्स बनाने के एक्सपर्ट हो तो बहुत ही अच्छा बनेगा आपका इसमें चिप्स। और यहाँ पर है मेरे सीधा वाला, तो सीधा वाला बहुत ही ज़्यादा पतला कटा है। और ये रहा वो मेरा चिप्स कटर। और आप इसे चिप्स कटर नहीं, मतलब आप इसे जो काटना चाहते हैं आपके मन के मुताबिक आप वो काट सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं आप इसमें पत्ता गोभी प्याज। और मैं पता है आजकल ना इसी में प्याज काटने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, बहुत पतला पतला प्याज कटता है और बहुत जल्दी गल भी जाता है। और इसमें लिखा भी था मेड इन इंडिया अच्छी तरीके से, कोई स्टिकर नहीं था, पूरा गुदा हुआ था ये। और यहाँ से ना मुझे जो ब्लेड है ना बहुत ही ज़्यादा शार्प है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर जिगजैग वाला है जो इस तरफ से कटता है और ऊपर देख सकते हैं, यहाँ मतलब देख सकते हैं यहाँ से जिगजैग वाला है। आप थोड़ा आलू को टेढ़ा मेढ़ा करके लेंगे तो आपका नया नया डिज़ाइन भी बनेगा। और ऊपर देख सकते हैं आप गार्लिक आपका जो थोड़ा सा होता है ना प्योरी टाइप करने के लिए या फिर ग्रेट जैसा करने के लिए, ऊपर का जो राउंड राउंड वाला वो है। और चिप्स कटर का मैं आप क्या बताऊँ, पकड़ के बस घसना ही तो रहता है, तो मैंने इसका वीडियो नहीं किया। और यहाँ से मैंने जिगजैग वाला काटा है तो इस से मेरा हाथ कट गया था। ये जल गया? हाँ बाबा, ये गंदा नहीं है, जल गया, रख तो नहीं, ये तो अमू ने पोस दिए रख तो। ए बाबा क्यों चल रही, बैठ बैठ उधर बैठ। पोस दिए भैया, जल गया कौन सी? हाँ वापस से खराब करी, कल का मैं हमारा हम ठीक खिलाऊं। पाव देना बाबा, देखिए पाव देना, देखिए आलू मुझ बजाओ बाबा, किचन से आलू लेके आओ मम्मा। हमारा हमारा दीदी कैसे, तुम मुख्य की दीदी कैसे, की दीदी दीदी की बेटा, देखी 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 शरीगी से नूडल्स ए नूडल्स बसो दीदी बसो माँ बसो आओ। तो यहाँ पर मैंने सारे चिप्स को यहाँ पर बिछा दिया है थोड़ा पोंछने के लिए, सुखाने के लिए। चिप्स खाने का है हमारा। हमारा क्या कर रही है, खाने हमारे सबसे बड़ा काम कर रही है। और यहाँ पे ना मतलब एक काम करने जाके ना बहुत ही ज्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि मेरे तीनों के तीनों ही छोटे हैं। इसको समझाऊंगी तो वो नहीं समझता है, उसको समझाऊंगी तो ये नहीं समझता है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ लगेला ही रहता है। और मेरा एक काम करने जाके मेरा काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मेरा काम भी जल्दी से नहीं होता है, क्योंकि मेरा अगर 10 मिनट का काम है तो वहाँ पर मुझे आधा घंटा लगना एकदम निश्चिंत है। और यहाँ पर मेरे बच्चे लोग तीनों के तीनों यहाँ पर मेरा हेल्प कर रहे हैं। और ये हेल्प करते जाते जाते मोहम्मद को भी लग जाता है आँख में मोहम्मद के हाथ से, तो क्या और कर सकते, मतलब बच्चे के साथ तो ऐसा चलता ही रहता है। तो मेरे ये चिप्स कटर के साथ क्या क्या आया है नहीं आया है मैं आपके साथ वो पूरा शेयर करूँगी। मैंने वाणिज्य मेला से क्या ख़रीदा नहीं ख़रीदा मैं वो भी शेयर करूँगी। मैं आपके साथ पूरा वीडियो में शेयर नहीं कर पाई थी वाणिज्य मेला के, क्योंकि मेरा मोबाइल टूट गया था जैसा आप लोग को पता है। और अगर आप जिसने वाणिज्य मेला का वीडियो नहीं देखा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। अजो 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 किसके पास चल के आया देखो दादी, हम की भाभी हेलो
थक तुम्हें बच्चे दिखे। ये हो गया, हो गया, अभी हो गया है, अभी हम इसको चिप्स बनाने लेके जाएंगे हैं। अभी हेलो जा माने क्या है, रखो बाबा, रखो रखो, ऐसे ही रखो दो मिनट। तो यहाँ पर चिप्स बनाने के लिए ना, तो हमें तो हमारे चिप्स में थोड़ा नमक जैसा चाहिए, मतलब थोड़ा सा सॉल्टीनेस चाहिए हमारे चिप्स में। तो यहाँ पर मैंने ना थोड़े से पानी में नमक घोल लिया है, क्योंकि हमें जब हम आलू फ्राई करेंगे ना, तो उसमें हमारा थोड़ा नमक का पानी दे के हमारा जो चिप्स है थोड़ा नमक नमक वाला बनाएंगे। और आप बाद में भी दे सकते हैं, उसके बाद चाट मसाला अलग से देख सकते हैं, नमक दे सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता इतना अच्छा लगता होगा वो। और बच्चे लोग को दे रही, तो मैं सादा दे रही हूँ, लोग सॉस से खा लेंगे, और उन लोगों को सॉस से खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर ये जस्ट मैं ना लो टू मीडियम हीट पे, आपको हाई टू मीडियम नहीं रखना है, आपको लो टू मीडियम हीट पे रखकर इसे फ्राई कर लेना है। और मैंने इतना सारा दिया ना, लास्ट में देखिएगा एकदम थोड़ा सा हो जाता ही है। और इसमें मैंने ना एक बड़े चम्मच के जो वो चम्मच था उसका बड़ा चम्मच, मैंने यहाँ पर एक चम्मच पानी भी दे दिया नमक का। और यहाँ पर कुछ मुझे सच बताऊँ तो 10 मिनट लगा है, तो यहाँ पीछे से ना हमारा आवाज़ करती रहती है। और यहाँ पर मेरा देखते थे चिप्स ही बन गया, 10 मिनट लगा मेरा चिप्स बनने के लिए। और यहाँ पर मेरा चिप्स तैयार है, और मैं बोलूँगी ना मेरा चिप्स एक्सपर्ट हूँ। आप और भी अच्छे अच्छे रेसिपीज़ देख सकते हैं, मैंने भी बस ट्राई किया है लाकर ये चिप्स कटर। और मैं आपको साउंड भी बताती हूँ, दिखाई बाबा नाओ खाओ। ए हमारा लिख मत, इधर आ खा। हमारा हमारा लिखो मत, इधर आओ खाओ। खाओ बाबा, मिला मोहम्मद तो सॉस देके खाएगा, इसलिए वो सॉस देने गया। अच्छा मैं ढूंढ के आ रही, बांग रे बांग बांग देखो, दिखाओ है एटा, अच्छे से क्रंची नहीं हुआ बाबा। आपको सॉस देके पसंद है ना, सॉस देके अच्छा लगता है खाने। तो कैसा बना, भालो लागे? हमारो भालो लागे, देखी तो हम यो खाया है टू। अच्छा लग रहा है हमारा, अभी खाने का नहीं है ना। क्या लिख रही है हमारा, हमारा क्या लिख रही है देखो तो। बाप रे बाप, ये कौन सा भाषा है? हाँ ये कौन सा भाषा है, आ भाषा ये हमारा, ये कौन सा भाषा लिख रही है? ए लिखू लिखू हमारा हमारा, देखी अम्मू ये देखी, देखो अम्मू देखो हम की लिखे, इधर की खाओ, इधर कटे खाओ, सब खाए फिलता से, सॉस दिया सॉस दिया। यमी बोलो मोहम्मद, यमी नाओ खाओ, हम वाला खाओ। मजा ना, चलो अस्सलाम वालेकुम बोलो, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बोलो प्लीज सब्सक्राइब, पॉपुलर ना प्लीज सब्सक्राइब, सब्सक्राइब लाइक,
कमेंट कैसा लगा आपको ये वीडियो? भालो लाग से है, भालो लाग से। तो मोहम्मद बोल दिया वीडियो अच्छा लगा। हुमायरा को कैसा लगा? हुमायरा को कैसा लगा? तो मिलते किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।